जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता उस समय देखने को मिली जब एक महिला एक महीने से अपने पति की मौत का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परेशान थी और जनपद के अधिकारियों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। महिला का आरोप है कि उससे अवैध पैसों की मांग की गई और उसने मांग पूरी नहीं की तो उसका एक महीने में डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, जिससे परेशान होकर जब पीड़ित महिला अनशन पर जा बैठी तब अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया और उसका बार करीब 10 घंटे अनशन पर बैठने के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और उसके हाथ में थमा दिया गया। यह अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली का एक नमूना है जो घंटाघर पर देखने को मिला। आरोप बताया गया है कि महिला के पति की मौत विद्युत करंट से हुई थी और जो विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के पद पर तैनात था। अभी आप कहें तो दोबारा दिलवाने माने कल का टेंशन नहीं बने कि आप फिर क्या नाम है आपका? किस गांव की निवासी हो? अभी आप यहाँ अनशन पर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? क्या मामला था? ये मामला था कि नहीं बना रहा। क्या नहीं है? पर बनना है। कितने दिन से परेशान हैं आप? एक महीना होगा। अच्छा, आप किस किस अधिकारी के पास गई हैं? सेक्रेटरी के पास, सबके पास हुआ। ब्लॉक गई थी आप? ब्लॉक हुआ। क्या कहते थे अधिकारी? ब्लॉक कहते थे कि हम नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अभी आप पैसे की मांग भी की गई थी क्या आपसे? पैसे की मांग नहीं बना रहे थे। नहीं, आपसे की गई थी मांग या नहीं? कितना पैसा मांगा था? बोला नहीं। अच्छा, तो अभी आप कितने देर से अनशन पर बैठी हैं? कब बैठी थी? 12 बजे। अभी आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? मिला है सर्टिफिकेट? मिल गया आपको? जो नियमानुसार है, मैं गाइडलाइन लिए हूँ CSR पोर्टल की, तो ये एक मिसकम्युनिकेशन का भी केस कह सकते हैं कि चूंकि वो गरीब महिला है, अनपढ़ है, जानती नहीं। नहीं, उसका तो आरोप ये है कि कई बार गए हैं और वो नियम नहीं जानती है। ये इसको फैसिलिटेटर का एक सही माध्यम नहीं मिला, क्योंकि इसके पतिदेव का निधन जो है सर्वोदय हॉस्पिटल में हुआ, उन्होंने एक कॉज ऑफ डेथ करके हॉस्पिटल ने सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है। इसके नियमानुसार होना ये चाहिए था कि वो कॉज ऑफ डेथ के हिसाब से उसको जो है ग्वालियर नगर निगम की साइट पर अप्लाई किया जाता, और जब वो अप्लाई हो जाता, चूँकि हॉस्पिटल में डेथ हुई है, हर 24 आवर्स का रिकॉर्ड संबंधित नगर पालिका या नगर निगम में जाता है, वो वहाँ पर ऑलरेडी दर्ज होगा। इसको जैसे ही वहाँ अप्लाई किया जाएगा साक्ष के साथ, ऑनलाइन जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। नहीं तो अब इस समय जब वो महिला अनशन पर बैठी, कई बार सुनवाई नहीं हुई, अब कैसे ये डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया? किस आधार पर हो गया? कौन सी गाइडलाइन के आधार पर हो गया? एक्चुअल क्या है कि ये ऑफलाइन सर्टिफिकेट है। हम अब भी अपना जो है कल स्पेशल मैसेंजर भेज कर इनके डॉक्यूमेंट लेकर अप्लाई वहीं करवाएंगे। नहीं तो क्या ये ऑफलाइन जो सर्टिफिकेट अभी आपने लाकर दिया अनशन पर बैठने के बाद, क्या ये पहले नहीं दिया जा सकता था? एक्चुअल इनकी ऑफलाइन का ऑफलाइन, चूँकि ऑनलाइन सर्टिफिकेट चलते हैं, ऑफलाइन एक त्वरित ऑफलाइन को किसी क्लेम में LIC में नहीं। मैं ये मेरा कहने का मतलब, ये दिया जा सकता या नहीं दिया जा सकता था? ऐसी उन्होंने कोई मांग नहीं की थी कि हमें अभी ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं, तो अनशन पर बैठने के बाद क्या उन्होंने ये मांग की थी कि मुझे ऑफलाइन सर्टिफिकेट दिया जाए? बेसिकली जो होगा वो ऑनलाइन ही जारी होगा, लेकिन ऑनलाइन कभी भी इतनी जल्दी त्वरित निष्पादन। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया गया, ये वैलिड नहीं है क्या? ये लोकल लेवल पर तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन जैसे आपको किसी अन्य विभाग में या कहीं अदालती प्रक्रिया में अप्लाई करना हो। नहीं तो ये क्या पहले नहीं किया जा सकता था कि अभी उसको जो सर्टिफिकेट अभी दिया है ये पहले दे देते, ऑनलाइन अप्लाई करवा देते? मेरे संज्ञान में तो आज ही प्रकरण आया है, मेरे संज्ञान में इसके पहले कभी कोई प्रकरण इस टाइप से नहीं आया है कि कोई व्यक्ति। अच्छा, ये किसके आदेश पे बनाया गया जो सर्टिफिकेट अभी आपने दिया है, ये किसके आदेश पे बनाया गया? ये एक्चुअल क्या है कि ये तो आज के दिन जो भी है जैसे मुद्दा है, तो सभी उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया। नहीं, किसी उच्चाधिकारी का नाम बताएंगे किसने आदेश दिया ये सर्टिफिकेट बनाने का? एक्चुअल क्या है कि बनाया सचिव ने, मैं यहाँ पे करीब करीब 2 से 3 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई फोन नहीं आया, उधर से बन के आ गया। मतलब सीधा सचिव को निर्देश दिया गया ये सर्टिफिकेट बनाने का?
ऑथराइज ही मान लीजिए जो होता है आपको, आपको केवल देने के लिए भेजा गया है यहाँ पे? आपको किसने भेजा है, उसका नाम बताएंगे आप?